हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी अजीम हमशीरा सैयदा जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो गुफ्तगू की थी और उनसे जो हलफ लिया था सबर पर, वो अल्फाज भी सनद के साथ सीरत की किताबों में मौजूद हैं। जिस वक़्त फरमाया था उक्सिमु अलैके, मेरी बहन मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूँ, हलफ उठाओ मुझे, ला तशुक्की अलैया जईबा वला तखमिशी अलैया वजहा वला तुनादी बिलवायल, कल जो सूरत हाल सामने आ रही है, जिस तरह के हालात होंगे उन हालात का जो नतीजा है वो हमें नजर आ रहा है, और जब हमारे लाशें तड़प रहे होंगे तो बेसब्री नहीं करनी। हलफ दो किस चीज का? कि तुम अपने चेहरे पे तमाचा नहीं मारोगी। हलफ दो ला तशुक्की जैबा, कि तुम अपना गिरेबान नहीं फाड़ोगी। हलफ दो मुझे इस बात का कि तुम हाय हाय नहीं करोगी। वैल के साथ ला तुनादी बिल वैल, ये सारी बातें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इन मकामाते सबर को वाजे करती हैं कि खुद सबर किया और फिर ख्वातीन अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना को सबर की तलकीन भी की, हलफ भी लिया, और फिर चश्मे फलक ने देखा सारे इम्तिहानात हुए हैं, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से सबर का दामन कभी भी छूटने नहीं पाया। इस वास्ते एक मर्तबा है तरकुल इख्तियार कबल अल कजा, के कजा से पहले इख्तियार को तर्क कर देना। दूसरा सुरूरुल कल्ब बिमुर्रिल कबा, कजा कड़वी लगे तो दिल को सुरूर आए। तीसरा है फुकदानुल मरारते बादल कजा, छुरी चल जाए तो जितनी पहली कड़वी लगती थी वो भी कड़वी ना लगे। पहला मर्तबा जो तस्लीम रजा का है इमाम हुसैन, उसमें भी कामयाब, जो दूसरा है उसमें भी कामयाब, जो तीसरा है उसमें भी कामयाब। तरकुल इख्तियार कबल अल कदा, कि दो रस्ते हैं, एक रास्ता है लगता है कि इधर जाऊंगा तो नुकसान है, दूसरा है कि इधर जाऊंगा तो फायदा है, और अभी वक्त है कि उस जगह से दोनों में से एक को इख्तियार किया जा सकता है। जो पैकरे तस्लीम रजा है वो ऐसे ऑप्शन के होते हुए भी अपना इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं करते, अपनी मर्जी इस्तेमाल ही नहीं करते। तरकुल इख्तियार कबल अल कदा, ये करबला का जो इम्तिहान था इसके इनेकाद से पहले ऑप्शन मौजूद था कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो इससे बचना चाहते तो बच सकते थे, साइड से गुजर जाते, रूपोश हो जाते। अगर बैत नहीं भी करनी थी और भी इस तरह के जो सूरत हाल थी उसको देखकर ये बचाओ अपने जिस्म का, अपनी आल का, और इन हालात से टकराव के बगैर जिंदगी का गुजारा, ये सूरतें थीं। लेकिन तरकुल इख्तियार कबल अल कदा, उस कजा के मरहले से पहले उन्होंने अपनी मर्जी से ये अंदाज इख्तियार किया। वो जो खत लिखने वाले लोग थे, धोखा उन्होंने देने की भरपूर कोशिश की, मगर मेरे इमाम धोखा खाए हुए नहीं थे, अजीमत का रास्ता अपनाए हुए थे। इरादे के साथ, अजीमत के साथ उस रास्ते पे चले, और गुंजाइश होने के बावजूद छुट्टी कबूल ही नहीं की। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आजमाइश हुई तो उस वक्त के सबसे बड़े इंसान की, कि जिनको रब्बे जुलजलाल ने उस वक्त सबसे ऊंचा दर्जा दिया है, वो स्टूडेंट है उस इम्तिहान के, और वो ही पास हुए। और फिर इसके अंदर जो दूसरा मरहला आता है वो है कि सुरूरुल कल्ब बिमुर्रिल कज़ा, जब कज़ा की छुरी चलती है तो छुरी तो यकीनन कड़वी है, लेकिन ये जो पैकरे तस्लीम और रजा है इसका मकाम क्या होता है? सुरूरुल कल्ब बिमुर्रिल कज़ा, जूं जूं कज़ा की छुरी की तलखी बढ़ती है उधर से लज्जत भी उतनी आ जाती है, आपस में बैलेंस हो जाता है, जितने दर्जे का दर्द उतने दर्जे की लज्जत। जान दे रहे हैं, जख्म हो रहे हैं, जितने दर्जे का दर्द उतने दर्जे की लज्जत। और फिर इससे अगला मरहला फुकदानुल मरारते बादल कदा, पहले तो दर्द महसूस होता था लेकिन जब छुरी चल गई तो लज्जत बाकी रह गई, दर्द का निशान भी पीछे नहीं बचा। यह है उनका अंदाज।
तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे, के तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे।